अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल इजी और बहुत यूनिक पैटर्न लेकर आई हूँ, ठीक है। ये टू रो पैटर्न है, बहुत इजीली डलता है, ठीक है। आप इसको किसी भी बेबी स्वेटर्स, कार्डिगन्स, लेडीज़ जेंट्स किसी पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको बनाने के लिए जो हम नंबर ऑफ़ स्टिचेस जो करते हैं वो ऐसे करते हैं कि हमें 3 के मल्टीपल्स में चाहिए होते हैं, ठीक है। और उसके साथ प्लस टू जो होंगे वो एक ये स्टार्टिंग वाला है और एक ये लास्ट वाला होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी सिलाई में लिए हैं टोटल 11 स्टिचेस, जिसमें से दो जो हैं वो स्टार्टिंग वाले और जो बाकी 9 हैं वो मेरे 3 के मल्टीपल्स वाले बीच में डिज़ाइन वाले स्टिचेज आ गए, ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने के लिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पहला स्टिच है उसको हम एज यूजुअल स्लिप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरी सिलाई है इसको हमने सीधा बुन लेना है, यानी निट कर लेना है, ठीक है। इसको सीधा क्यों बुनेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो डिज़ाइन है उसकी बेस बन रही है, ठीक है। और ये 6 रो पैटर्न है, तो लेकिन डिज़ाइन सिर्फ 2 रोज में डलता है, ठीक है। बाकी रोज उल्टी और सीधी ही जाती हैं। अब ये पूरी रो मैं सीधी निट कर लूंगी, ठीक है। तो अब ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मैंने सारी रो सीधी बनाई थी, ठीक है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं, रो 2 पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये पूरी रो हमने उल्टी बनानी है, ठीक है। और इसके बाद वाली जो रो होगी उस पे से हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इसका भी पहला खाना हम स्लिप कर लेते हैं, ठीक है। अगले खाने से हम इसको उल्टा बुनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहली रो हमने सीधी बनाई, दूसरी रो हमने सारी उल्टी बनानी है, ठीक है। इसमें सारे खाने हमारे उल्टे बनेंगे, इससे जो नेक्स्ट रो होगी उससे हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट रो पे मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ओके, सो अब हमारी दोनों रोज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट रो मैंने सारी सीधी बना ली थी और दूसरी रो मैंने सारी उल्टी बना ली थी। अब जो इसकी थर्ड रो है जिसमें हम डिज़ाइन डालेंगे वो बहुत इजी है। उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो खाना है वो आप आराम से स्लिप कर दें बगैर बुने, ठीक है। ये हम स्लिप इसलिए करते हैं ताकि नीटनेस आ जाए डिज़ाइन में। फिर उसके बाद हमने खाने काउंट करने हैं 1, 2 और 3, ठीक है। ये जो 3 और 4 के दरमियान गैप है इसमें से हमने अपनी नीडल को इंसर्ट करना है, अपनी सिलाई को अंदर की तरफ, और उसके ऊपर धागा लपेट के वो लूप बना के हमने बाहर की तरफ ले आना है फिर से, ठीक है। ये मैं इनके अंदर नहीं डाल रही, जो 3 और 4 के दरमियान गैप था मैंने उसमें डाला। और ये देखें, ये ऐसा लूप बन गया। और जो पहला खाना था ना, जो 3 खाने हमने चुने थे उसमें से जो पहला खाना था उसको मैं इसके साथ निट कर लूँगी, सीधा बुन लूँगी। जो अगले 2 खाने हैं उनको मैंने इकट्ठे बुनना है, लेकिन मैं पीछे से नीडल ला के, सिलाई ला के फिर इन दोनों को इकट्ठे बुनूंगी, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने इनको बुन लिया, और ये देखें हमारे वापस 3 खाने पूरे हो गए, एक ये लूप वाला और एक जो हमने पहला बुना था, और वो जो 2 इकट्ठे हमने बुन लिए थे वो वापस 3 हो गए। फिर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 3 और 4 के दरमियान जो गैप है उसमें से नीडल या सिलाई लेकर जाएं, ठीक है, और फिर एक लूप बना के उसको बाहर की तरफ या अपनी तरफ ले आएं। ये देखें जैसे मैंने किया है, ठीक है। फर्स्ट वाले को हमने सीधा सीधा बुन लिया, ठीक है, और जो अगले 2 हैं उनको हमने जोटा लगाना है, इकट्ठे बुनना है, यानी के लेकिन अगली साइड से नहीं, उनको हमने पिछली साइड से बनाना है, ठीक है। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, आप इनको थोड़ा सा स्ट्रेच करके ढीला कर लें ताकि बुनने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस पे लूप चढ़ा के तो इसको आपने अपनी सिलाई से उतार लेना है, ठीक है। कोशिश करें थोड़ा ढीला रखें ताकि बनाने में आसानी हो जाए। अब ये देखें, फिर से वापस 1, 2, 3 हमारे खाने पूरे हो गए, ठीक है। हमने अपने खाने कम या ज़्यादा नहीं करने, इसलिए 1, 2, 3 फिर से, और तीसरे के बाद हमने नीडल डाली, सिलाई डाल के एक लूप ले आए, ठीक है। लूप के साथ पहला वाला खाना जो था उसको बुन लिया, और जो अगले 2 खाने हैं
उनको भी सीधा बुनना है, लेकिन सिलाई को पीछे से डाल के सीधा बुन लेना है, ठीक है। वैसे हम ये देखें ऐसे ऊपर से डालते हैं, इस पे पीछे से डालना है, ठीक है। ये सिलाई हमने पीछे से इनके लूप में डाली और ये वाला जो खाना है इसको सीधा बुन लेंगे क्योंकि ये हमारी सीधी सिलाई है, ठीक है। ये देखें अभी कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये हमारे लूप्स आ रहे हैं। जब मैं इसकी उल्टी सिलाई बुनूंगी तो ये लूप अपनी जगह पे चले जाएंगे और फिर हमें डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये जो हमारे तीन दरमियान वाले खाने थे वो ऐसे बन रहे हैं। अब इसकी उल्टी सिलाई पर आ जाते हैं, ठीक है। उल्टी सिलाई बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सारे के सारे खाने उल्टे बुन लेने हैं, ठीक है। पहला आप उसी तरह उतार लें, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप इसको बुन भी सकती हैं, ठीक है। मैं उतार लेती होती हूँ इसको स्लिप करके। अब ये देखें ये मैंने सारे के सारे खाने सीधे बुन लिए, उल्टे बुन लिए सॉरी, ठीक है। अब ये देखें ये हमारा लूप था जो हमने निकाला था, इसको भी मैं उल्टा बुन रही हूँ। तो इसलिए बहुत ईजी है, सिर्फ आपने एक रो में पैटर्न डालना है दो रोज़ में, ठीक है, और बाकी की सारी रोज़ जो हैं वो उल्टी सीधी ही जाएंगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी रो में उल्टी बुन लेती हूँ। अच्छा देखें ये मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। मैंने सारी रो उल्टी बुन ली थी और अभी देखें हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बनना शुरू हो गया। ये देखें सारे लूप्स अपनी जगह पे आ गए हैं, ठीक है। और अब जो है ये हमारी फोर्थ रो है, ठीक है, क्योंकि हमने थर्ड रो में डिज़ाइन डाला था, ये हमारी फोर्थ रो है। इसको भी मैं सारा सीधा बुन लूँगी, ठीक है। बहुत ईजी डिज़ाइन है, टोटल इसकी 6 रोज होती हैं, ठीक है, एक उल्टी एक सीधी, ठीक है। जो थर्ड रो होगी वो हमारी सीधी होगी, सीधे में डिज़ाइन डलेगा। फिर हमारी जो 6th रो है वो हमारी उल्टी रो होती है, उसमें उल्टी रो में डिज़ाइन डलता है, ठीक है। डिज़ाइन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, ठीक है, सिर्फ हमने जो लूप की डायरेक्शन है वो बदलनी होती है ताकि डिज़ाइन अच्छा लगे। आप चाहें तो नहीं भी बदल सकते, आप एक ही रुख में लेते जाएं, वैसे भी बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शंस उनकी चेंज हों, उनको अपोजिट डायरेक्शंस में हों तो वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब ये देखें ये मेरी रो 4 है, इसको मैंने सारा का सारा सीधा बना लिया, ठीक है। अब मेरी आती है रो 6। ठीक है, ये मेरी रो आ गई रो 6, ठीक है। अब इसमें पहला खाना मैंने उतार लिया, फिर 1, 2, 3 वैसे ही काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट करके पहले हम देखें ऊपर से लेकर गए थे नीडल, अब हम बाहर से नीडल अपनी तरफ लेकर आएंगे, जैसे उल्टा खाना बुनते हैं ना, ठीक है। वैसे 3 और 4 के दरमियान में से हम बाहर वाली तरफ से सिलाई को अंदर ला के एक लूप बना के ले जाएंगे और लूप को हमने ऐसे ले आना है, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद पहला खाना हमने उल्टा बुन दिया, ठीक है, और जो अगले दो खाने हैं उनको मैं इकट्ठे उल्टा बुन लूँगी, ठीक है। देखें कितना आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये दोनों हमने उल्टे बुन लिए। अब ये देखें वापस हमारे 3 खाने पूरे हो गए, 1, 2, 3 फिर से काउंट करेंगे। 3 खानों के बाद हमने ऊपर से सिलाई नहीं डालनी क्योंकि अब हमने रुख चेंज करना है लूप्स का, तो हम पीछे से सिलाई डालेंगे और ये सीधे खाने की तरह ये सारे खाने हम सॉरी उल्टे खाने की तरह ये सारे खाने बुनने हैं, ठीक है। इसमें देखें ये जो पहला वाला है इसको मैं उल्टा बुन लेती हूँ और जो अगले दो हैं उनको मैं इकट्ठे बुनूंगी, लेकिन बुनूंगी मैं उनको उल्टा ही, ठीक है। ये देखें ऐसे करके इनको उल्टा बना लेंगे, ओके। फिर उसके बाद अभी हमारा लास्ट पैटर्न रह गया है, ठीक है। इसमें भी हमने वही करना है, हमने 3 खाने काउंट करके तो जो लास्ट और थर्ड के दरमियान जो हमारा गैप है उसमें से हम सिलाई डालेंगे, लूप बना के उसको खींच के ऐसे धागे को बाहर ले आएंगे, ठीक है। पहला वाला उल्टा बुन लेंगे और जो बाकी दो हैं उनको इकट्ठे बुन के उतार लेंगे, लेकिन उल्टा बुनेंगे, ठीक है। और जो आखिरी खाना रह गया क्योंकि ये उल्टी सिलाई है तो उसको भी मैं उल्टा ही बुन लेती हूँ, ठीक है। ये देखें मेरी रो 6 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब ये देखें इसके लूप्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, ये देखें इनकी डायरेक्शंस देख रहे हैं आप, बदल गए हैं, ठीक है। अब ये बहुत ईजी है क्योंकि ये सीधी सिलाई है तो ये सारी की सारी मैं सीधी बुन दूंगी, ठीक है। जैसे रो 3 हमारी सीधी पे बनी थी उसकी उल्टी रो हमने सारी की सारी उल्टी बुन दी। अब ये रो 6 है जो हमने उल्टी स्टार्ट की थी, यानी उल्टी सिलाई में डिज़ाइन डाला था, इसकी सीधी सिलाई जो है वो मैं सारी की सारी
सीधी बुनूंगी, बहुत इजी है। ठीक है, ये देखें ये जो सारे खाने हैं ये मैं सीधे बुनती जा रही हूँ, ठीक है। और जो लूप वाला खाना है उसको भी मैं बिल्कुल सीधा ही बुन लूंगी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये देखें ये मेरा लूप था, इसको भी मैंने सीधा बुन लिया, ये देखें बहुत इजी है, बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे बेबी की स्वेटर्स के लिए या जेंट्स की स्वेटर्स के लिए। मैं ख़ुद भी अभी ये पैटर्न यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी भी बन जाता है, बहुत जल्दी अच्छा भी लगता है, नज़र भी आता है। ठीक है, आप इसको ट्राई ज़रूर करें। अब मैं इसको कम्प्लीट करके थोड़ा सा बुन के फिर आपको एंड रिज़ल्ट दिखाऊँगी। ये देखें आपको ऐसे नज़र आएगा, ये इनके जो लूप्स की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट जा रही है। ठीक है, अब इसका एंड रिज़ल्ट देखते हैं। ओके, तो लेट्स सी, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये देखें इसके लूप्स की डिफरेंट डायरेक्शंस जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत इजी भी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।